अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम एनएटी यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और ये शोभा है हैप्टिक्स एंड ह्यूमन रोबोटिक्स। एनएटी यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है और कारनामा क्या है कि दो रोबोट्स, जिनको एक रोबोट कराची में है पाकिस्तान में, दूसरा रोबोट यूरोप में है, और इनको आपस में इंटरलिंक किया है। डॉक्टर रियाजुद्दीन साहब हैं और माशाल्लाह डॉक्टर रियाजुद्दीन साहब इज वेरी टैलेंटेड प्रोफेसर। डॉक्टर साहब माशाल्लाह, आप ही बता दें कि आपने कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है। एक्चुअली बस अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। मैं एनएडी यूनिवर्सिटी में हैप्टिक्स एंड ह्यूमन रोबोटिक्स कंडीशन मॉनिटरिंग लैब को हेड करता हूँ जी, और हमने रिसेंटली एक लैंडमार्क एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है कि अगर कोई रोबोट जो कि जहाँ पे, या कोई काम आप कह रहे हैं आसान वर्ड्स में, ये कोई ऐसा काम जहाँ पे ह्यूमन प्रेजेंस मुश्किल हो या बहुत एक्सपेंसिव हो आप आसान वर्ड्स में, यानी जहाँ इंसान आराम से ना जा सकता हो, और आप वहाँ कोई रोबोट भेज के कोई कायम कराना चाहें तो आप वो करा सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, अंडर वाटर में करवा सकते हैं आप, स्पेस एक्सप्लोरेशन में करवा सकते हैं, मेडिसिन में करवा सकते हैं, डिजास्टर में करा सकते हैं। पास जाकर आपको दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं ये दो रोबोट्स हैं, ये आप देखिएगा, ये एक ये रोबोट है एंड एक ये रोबोट है। ये इस वक्त तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन एक रिपोर्ट यहाँ पर होगा और दूसरा रिपोर्ट कहीं भी हो सकता है, यानी पानी के अंदर है, पानी के ऊपर है, किसी जगह पड़ा हुआ है। तो जब इसको आप मूव कर रहे हैं, ये भी मूव हो रहा है ऑटोमेटिकली। तो अब आप देखें इसमें, इवन के ये हमने एक टास्क, क्योंकि हम डिफरेंट टास्क ट्राई करते हैं, तो आप मैं पकड़ूंगा तो आपको बकायदा फील होगी कि मैं वो कह रहा हूं, तो हैंड शेकिंग फील होगा। तो अगर कोई आदमी यहाँ पे मौजूद नहीं है तो आप उससे अगर हाथ मिलाना चाहते हैं एक एज अ टास्क के तौर पर, तो आप वहाँ पे फील कर रहे हैं कि आप यहाँ पे फोर्सेज आपको फील हो रही है। ये जो हाथ है, जैसे डॉक्टर साहब ने हाथ को पकड़ा हुआ है, सलाम ले रहे हैं, तो ये हाथ की जो फोर्स है वो फील हो रहा है कि किसी ने यार हमारा सलाम ले लिया। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो अगर ये पानी में होगा, इससे कोई मछली सलाम लेगी तो पता चल जाएगा कि इसको जो है ना वो कौन इसके साथ टच हो रही है। आई थिंक इट्स अ बिग डेवलपमेंट एंड इस पर कंप्लीट प्रोग्राम भी हमने किया है, वो आप उर्दू पॉइंट पर देख सकेंगे, बट सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। माशाल्लाह पाकिस्तान का जो एजुकेशन सेक्टर है वो किस तरह ग्रो हो रहा है। एनएडी का वैसे भी बहुत बड़ा नाम है, बहुत मकाम है, और एनएडी ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे अच्छे जो तालिबे इल्म है, बहुत अच्छी फोर्स एक जो है वो प्रोड्यूस की है। एंड बेस्ट विशेस डॉक्टर साहब आपके लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत शुक्रिया।